कोई नहीं ऐसे ही कटेगा सर, कोई नहीं यहीं से कट जाएगा, अपने आप हो जाएगा अगले साल तक शुरू, परफेक्ट हो जाएगा, कोई पौधा खराब नहीं होगा। किसान भाइयों नमस्कार, ये है एप्पल बेर का बगीचा। बेर वैसे भी गरीबों का फल माना जाता है, लेकिन एप्पल से रियल में कमजोर नहीं होता है। अगर न्यूट्रिशियस वैल्यू देखी जाए तो इसके समानांतर ही होती है एप्पल जैसी। एप्पल ठंडे प्रदेशों में होता है और बेर कहीं भी हो सकता है, तो गर्म प्रदेश में भी होता है। तो यहाँ हम पिछले 2 साल पहले बगीचा लगाया गया था, इस बार हम इसकी ट्रेनिंग प्रूनिंग का समय है, अभी अप्रैल 6 अप्रैल आज, और हम किसान भाई को बता रहे हैं कि किस तरीके से इसकी कटिंग करनी है ताकि अगला जो फल है वो अच्छे से आए। और इसमें 2-3 तरीके होते हैं, तो सिंगल स्टेम सिस्टम भी होता है, मल्टी स्टेम सिस्टम भी होता है। चूंकि हाई डेंसिटी पे हैं तो सिंगल स्टेम सिस्टम को मेंटेन करना इसमें पॉसिबल नहीं है, और आजकल जो सिस्टम चल गया वो हाई डेंसिटी का चल गया, तो इसमें मल्टी स्टेम सिस्टम हम फॉलो करवा रहे हैं। और मल्टी स्टेम में है कि फूटान को इसको जमीन से 1 से 1.5 फीट ऊपर से इनको काटना है, और काटने के लिए डबल सीरेटेड सिकल आती है, तो उससे हम इसको कटवा रहे हैं ताकि शार्प कट हो। तो एक ये देखिए, इन्होंने लगभग 4 शाखाएं इसमें छोड़ रहे हैं, किसी में 4 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, ताकि इससे अभी कट जाएगा तो 1 से 1.5 महीने में इसमें फूटान हो जाएगा, और वो जो फूटान होगा उन डालियों पर आपका बारिश के टाइम पे फलन शुरू हो जाएगा। तो बहुत बेहतरीन चीज है कि ये पूरा खेत खाली हो जाएगा, अभी आप देखेंगे तो पूरे फ्री हो जाएगा फोलिए से, तो जो भी कीड़े हैं, बीमारी है, कोई इंसेक्ट अगर कोई शरण लिए हो तो वो भी खत्म हो जाएगा और पूरा पौधा भी स्वस्थ हो जाएगा। दूसरा केस है, कटिंग करने से इसका जो फूड का अपटेक है वो 0 हो गया, इसमें भोजन की इसको जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में पानी की जरूरत नहीं रहेगी, संसाधन भी बचाता है आपके और उत्पादन भी देता है बहुत बेहतरीन तरीके से। ये देखिए, इन्होंने किसान भाई ने कटिंग कर दी है पूरे तरीके से, जो भी देसी है वो भी निकालते रहो। ये बबूल कटेगी नहीं कभी भी, ऐसी बबूल जैसा हो जाए तो जड़ से ही उखाड़ने की कोशिश करना, दखली बबूल खत्म कभी नहीं होती, तो कुदाली से लेके बीच बीच में ढूंढ ढूंढ के इनको खत्म करना बाद में, अकाई हकाई के बाद में। ठीक है, अब आप नेक्स्ट करो। ये कंप्लीट कटिंग हो गया, इसका सही है ये। और इसमें एक और हम कटिंग के बाद में करेंगे कि जो कट लग जाता है इसके ऊपर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का सॉल्यूशन का पेस्ट कर देंगे, ताकि कोई इन्फेक्शन के चांस नहीं रहे, कंटामिनेशन नहीं होगा इसमें। अगर ये नहीं करेंगे तो जैसे इसमें कंटामिनेशन के चांस आ जाते हैं, तो करना चाहिए वैसे,